Dear students, now we will discuss about our next phylum, Platyhelminthes and Ascalminthes. तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, Platyhelminthes एंड Ascalminthes. देखो नाम से पता लग रहा है Helminthes. तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज है, मतलब नॉट सो मच सिमिलरिटीज, हाँ, बट Helminthes है. तो यहाँ पे हम Helminthes एक्चुअल में होता क्या है बेटा, Helminthes आता है वॉर्म होता है बेटा. क्या होगा, वॉर्म जो कीड़े जैसे होते हैं बड़े बड़े, मतलब वॉर्म जो टाइप होंगे उसे हम क्या नाम देंगे, Helminthes कहेंगे. क्या कहेंगे, Helminthes. इसे Platyhelminthes क्यों कहा गया, बिकॉज ये फ्लैट वॉर्म होता है. फ्लैट का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लैट वॉर्म. तो कॉमन नेम अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले वन बाय वन इसके क्या लेते चले जाएंगे, सेम टू सेम कैरेक्टर्स लेते चले जाएंगे, और Ascalminthes वन बाय वन हम बात करेंगे. जैसे पहले हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉमन नेम, एंड वाई क्यों कहते हैं इसे हम. ओके बेटा, फिर हम वही सेम टू सेम बेसिक्स पढ़ेंगे, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे हम, ठीक है. फिर हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे. इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें पहले ही करवा दी ताकि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो. सिमेट्री हमने बात की है, सिमेट्री के बाद हम क्या करते हैं, जर्म लेयर पढ़ते हैं, ठीक है बेटा. जर्म लेयर के बाद हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी कैविटी पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं बेटा, हम बॉडी कैविटी पढ़ते हैं. बॉडी कैविटी के बाद हम क्या पढ़ते हैं बोलो, बॉडी कैविटी के बाद हमने क्या पढ़ा, बॉडी प्लान पढ़ा. बॉडी प्लान के बाद हमने क्या पढ़ा था, सेगमेंटेशन पढ़ा था बेटा. क्या पढ़ा था हमने, सेगमेंटेशन पढ़ा था. और सेगमेंटेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, नोटोकोड. ओके, पहले हम ये जनरल बेसिक कैरेक्टर्स हम बात करेंगे. देखो सबसे पहले हम बात करेंगे Platyhelminthes का मतलब क्या होता है, वॉर्म, फ्लैट वॉर्म होता है. फ्लैट मतलब जो चिपके हुए होते हैं. इमेजिन करो इस तरह का है ये, इसका डॉर्सल मतलब बैक सरफेस हमेशा कहलाया जाएगा. वेंट्रल हमारा जो पेट का हिस्सा होता है, इमेजिन करना है इसका वेंट्रल सरफेस है, इसका डॉर्सल सरफेस है. इसको यहाँ से भी प्रेस किया गया और उसको ऊपर से भी प्रेस किया गया, और दोनों क्या हो गए हैं, फ्लैट हो गए. तो इसे Platyhelminthes कहा गया. इसका मतलब क्या होगा बेटा, क्योंकि इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस क्या है, बिल्कुल फ्लैट है. तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं Platyhelminthes के बारे में कि Platyhelminthes विच हैव फ्लैट डॉर्सल सरफेस, फ्लैट वेंट्रल सरफेस, या बोथ सरफेस आर द फ्लैट. अगर ऊपर से नहीं है, खाली एक सरफेस से फ्लैट नहीं है, दोनों तरफ से प्रेस करके फ्लैट बना दिया गया है, तो ऊपर और नीचे दोनों बिल्कुल फ्लैट आते हैं, डॉर्सल भी और वेंट्रल सरफेस भी आता है. तो इसे हम कॉमनली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्लैट, बिकॉज डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस बोथ आर फ्लैट है. Ascalminthes को कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है. क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म. निमेटोड का मतलब, इसे कॉमनली निमेटोड्स भी कहते हैं. Nematohelminthes से क्या कहा गया, निमेटोड्स कहा गया. निमेटोड का मतलब होता है थ्रेड. एस के मतलब राउंड, जो सर्कुलर सा होता है, सब सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, इस तरह जैसे कि राउंड हो गया, ठीक है, ये हो गया थ्रेड. जैसे कि मोटा, जैसे हम रजाई बुनाते हैं ना, उसमें मोटा वाला धागा डालते हैं, ज्यादा वो धागा ऐसे गिरा होता है, ऐसे ऐसे वाला वॉर्म लगता है वो. इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, Nematodes या Nematohelminthes भी कहते हैं. ओके, इसे याद रखना है, आजकल इसको Nematohelminthes कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली थ्रेड लाइक अपेयरेंस को शो करता है, मोटे थ्रेड लाइक अपेयरेंस को शो करेगा, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, Nematohelminthes. राउंड मतलब इस तरह से. आपने कभी पेट में कीड़े देखे, पेट में कीड़े एक्चुअल में राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल होता है. किसका एग्जाम्पल होता है, राउंड वॉर्म. हम गाय भैंस को रखते हैं, जून बोलते हैं ना, जून अगर कोई रखता है, उसके कोई गोबर वगैरह में आ जाती है, तो और कुछ नहीं, वो एस्कैरिस होते हो, राउंड वॉर्म होता है बेटा. किससे बिलोंग करेगा, राउंड, बिल्कुल इस तरह का अर्थ वॉर्म टाइप का होगा. अर्थ वॉर्म पे तो रिंग बनी होती है, उस पर कोई रिंग नहीं, पूरा का पूरा प्लेन सरफेस होगा, बट वो राउंड नेचर का होता है, ठीक है बेटा. तो Ascalminthes का इसे हमने क्या नाम दिया, Nematodes भी कहते हैं, बिकॉज थ्रेड लाइक अपीयरेंस है. तो कॉमन नाम पता लगा इसका, हमने Platy मतलब फ्लैट से, और दोनों सरफेस इसके फ्लैट होंगे, और वो क्या, राउंड या Nematodes थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, ठीक है. यहां से क्या सिस्टम, क्या शुरू हो गया था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या शुरू हो गया था यहाँ पे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ सबसे पहले क्या सिस्टम बनने शुरू, हर एक प्रॉपर सिस्टम तो नहीं बने, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट बन गया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया. यानी कि ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, तो कम्प्लीटली ऑर्गन सिस्टम बनने शुरू हो गए, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें. तो यहाँ पे धीरे धीरे सिस्टम, तो यहाँ पे पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो वो, तो और यहाँ पे ऑनली ऑर्गन, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल बनने शुरू हो गए. सिमेट्री दोनों के अंदर ही, बायलेटरल सिमेट्री होती है,
भाई इस तरह का ऑर्गेनाइजर हम बीचों बीच में से कट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट क्या करेगा बराबर हिस्से में करेगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, बाकी जितने बच जाएंगे बाइलेटरल हो जाएगी, इकाइडोडर्मेटा को आप छोड़ देना। जर्म लेयर अगर हम बात करेंगे, ये जर्म लेयर हमारे पास में किस तरह की होती है बेटा, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, कैसी होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर भी कैसी लेयर होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होगी यहाँ पर भी, ओके बेटा। अब बॉडी कैविटी, यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी बॉडी कैविटी नहीं है, ये एसिलॉयमेट है, ये कैसा है एसिलॉयमेट है, यहाँ पर बॉडी कैविटी बननी शुरू हुई, जिसे हमने क्या नाम दिया सूडोसिलॉयमेट का, क्या कहा जिसे हमने सूडोसिलॉयमेट, सूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब हम क्या कहेंगे बॉडी कैविटी तो है, बॉडी कैविटी बट नॉट लाइंड बाय, बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, किससे लाइंड नहीं होती बेटा, ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी, किससे लाइंड नहीं होगी मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे सूडोसिलॉयमेट। काफी बार आपको 99% लगा लो बॉडी कैविटी में सूडोसिलॉयमेट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा आपका, तो क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं काफी बार थोड़ा एग्जामिनर घुमा देता है आपके लेवल तक, तो क्या पता सीधा भी दे दे सूडोसिलॉयमेट भी दे दे, बट काफी बार एग्जामिनर आजकल चालाक हो गए कि बच्चे रट लेते हैं, तो क्वेश्चन को घुमा देंगे, द ऑर्गेनिज्म विच हैव द बॉडी कैविटी बट नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, मेसोडर्म उसे सराउंड नहीं कर रही, मेसोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट थी वहां पे, तो उसे हम सूडोसिलॉयमेट कह रहे हैं, और किसके अंदर मिलती है एस्केहेलमेंथिस के अंदर मिलती है, किसके अंदर मिलेगी बेटा एस्केहेलमेंथिस के अंदर मिलेगी, बॉडी प्लान यहाँ पे क्योंकि ऑर्गन ही है, तो यहाँ पे यहाँ तक ब्लाइंड सेक प्लान था, ब्लाइंड सेक का मतलब सबको बताया ना, जिसके अंदर क्या मिलेगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या मिलेगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ पे यहाँ से क्या शुरू हो गया था ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान शुरू हो गया था, क्या शुरू हो गया था विद इन द ट्यूब प्लान, कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट बन गया है, क्या बन गया है कंप्लीट बन गया है, ओके बेटा, कि दो ओपनिंग होगी इंजेक्शन के लिए अलग इंजेक्शन के लिए अलग, सेगमेंटेशन इन दोनों में ही एब्सेंट है, कोई सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, क्या होती है एब्सेंट, और नोटोकोर तो यहाँ तक क्या है सबके अंदर एब्सेंट ही है, क्या है बेटा एब्सेंट है। आप देखोगे ना अपने बुक्स के अंदर, या कोई बच्चा 11th एनसीईआरटी बुक में भी देख रहा है, तो वहाँ पे इस तरह पैराग्राफ में दी हुई है सारी की सारी चीजें, तो हम पैराग्राफ में ना करके हमने यहाँ पे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप ध्यान देना बेटा, ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई, यहाँ ऑर्गन था ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल, दोनों में बायलेटरल, जर्म लेयर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट बॉडी कैविटी यहाँ एसिलॉयमेट या सूडोसिलॉयमेट, बट नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, बॉडी प्लान इसमें ब्लाइंड सेक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान, सेगमेंटेशन और नोटोकोर दोनों में ही एब्सेंट है। अब हम आ जाते हैं हैबिटेट के ऊपर, हम नेक्स्ट जो नॉर्मल कैरेक्टर करते जा रहे हैं हम वही बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे हैबिटेट के ऊपर बात करते हैं। अगर मोस्टली क्योंकि बीमारियां फैलाते हैं ये, और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासिटिक नेचर के मोस्टली होते हैं, कैसे होंगे पैरासिटिक, और ये भी पैरासिटिक भी अंदर की तरफ होंगे, तो ये एंडो पैरासाइट नेचर के होते हैं मोस्टली, क्या होंगे एंडो पैरासाइट, ये भी क्योंकि ये भी बीमारियां फैलाता है एंडो पैरासाइट, मैं डिजीज के अंदर आपको वॉर्म रिलेटेड डिजीज बताऊंगी एंडो पैरासाइट है ये भी। अब हमारे इमेजिन ग्रुप में मेरे अंदर है ही नहीं कुछ, तो ये फ्री लिविंग भी मिल जाएंगे, ये नहीं कि नहीं मिलेंगे, ये फ्री लिविंग का मतलब क्या होगा, तो बाहर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे अपने बाहर, कहीं पर भी पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, तो ये फ्री लिविंग भी मिलते हैं और एंडो पैरासाइट भी होंगे, क्या होंगे बेटा एंडो पैरासाइट भी होंगे, क्लियर है बेटा। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम यहाँ पर जो बात करेंगे इसके ऑर्गेनिज्म के बारे में, बॉडी के बारे में बात करेंगे ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको याद रखना, मैंने आपको बताया जो प्लैटीहेलमिंथिस तक होते हैं वो कैसे होते हैं हर्मोफ्रोडाइट होंगे, क्या होंगे बेटा हर्मोफ्रोडाइट होंगे, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, हर्मोफ्रोडाइट के लिए हम मोनेसियस वर्ड भी यूज करते हैं, क्या वर्ड भी यूज करेंगे मोनेसियस वर्ड भी यूज करेंगे बेटा, याद रखना मोनेसियस का मतलब भी यही होता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे आगे तो हम आने शुरू होंगे, तो यहाँ पे हम डायसियस, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन एक के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया हर्मोफ्रोडाइट, बट यहाँ अगर हम बात करेंगे
डायसियस बात करेंगे। क्या करेंगे? डायसियस। डायसियस का मतलब क्या हो जाएगा? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होती है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। जैसे आप ह्यूमन बीइंग में देख सकते हो, अदर एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है, डॉग भी देखने को मिलता है, बिच को भी आपको पता है, आपको एक मेल भी पता है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल भी पता है, पता है नहीं है, आप देख के पहचान सकते हो। इन द सेम वे यहाँ डायसियस है और हम उसे बाहर से देख के बता सकते हैं कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। अब आप कहोगे कीड़े को किस तरह से आता है, ध्यान देना बेटा। अगर मैं आपको बात करूं, जो मेल होता है, फीमेल लोम होती है, ये स्मॉल साइज का होता है, ये कैसा मिलेगा? मोस्टली स्मॉल साइज का। अब आप कहोगे भाई आपको एक मिल गया, आपको क्या बताए, स्मॉल है लॉन्ग है। सबसे मेन बात जो होती है, इसका जो टेल रीजन होता है, पोस्टीरियर एंड होगा, जो टेल रीजन होता है वो कॉइल्ड मिलता है। क्या मिलेगा? कॉइल्ड। और इसका टेल रीजन कैसा मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। इसके अंदर जो मेल होगा वो हमेशा इस तरह से घूमी हुई टेल मिलेगी और इसके अंदर क्या मिलेगी? सीधी मिलेगी। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है बेटा, जो बाहर से देखे जो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मेल होता है और ये सीधी मिलता है, ये कैसे होता है? फीमेल होता है। जैसे याद रखना, कॉइल्ड टेल मिलती है उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? मेल। और ये देखो, अगर हम बात करेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म के, हम दो हेड रीजन होगा बेटा और एक टेल रीजन। मैम हमारे अंदर तो टेल रीजन है नहीं, तो हेड को हम हमेशा क्या कहते हैं? एंटीरियर रीजन कहेंगे। ये मेरा एंटीरियर एंड कहलाया जाता है और मेरे पैर क्या कहलाए जाएंगे? पोस्टीरियर एंड कहलाए जाएंगे। तो काफी बार आपका टेल ना लिख के पोस्टीरियर एंड भी लिख सकता है कि पोस्टीरियर एंड कैसा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेल में कॉइल रहेगा और फीमेल में कैसी रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ मेल एंड फीमेल भी अलग है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और मेन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मेल क्या होगा? स्मॉल साइज, और फीमेल लॉन्ग होती है, बड़ी लंबी होती है। और मेन बात क्या, उसका टेल रीजन कॉइल्ड होगा और ये क्या होगा? स्ट्रेट होगा। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। अब यहाँ पे जैसे ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं बेटा, क्या बनने शुरू हो गए हैं यहाँ पे? ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है, ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं आपको बेटा, तो यहाँ पे आपसे क्या चीज भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपसे चीज पूछ सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे ज्यादा। अब आगे आगे आपको ऑर्गन्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बड़ा ध्यान देंगे, जो रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर, जो सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, सर्कुलेटरी होगा वो उनकी बॉडी सरफेस से ही होता है। किससे होगा बेटा? स्पेशल कोई ऑर्गन्स नहीं बने हैं, कुछ कुछ ऑर्गन ही बनने शुरू है, उनके बॉडी सरफेस से होगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, दोनों के अंदर ही, दोनों के अंदर ही रेस्पिरेशन सर्कुलेशन अगर हम बात करें, उनके बॉडी सरफेस से होगा और वाया डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है, ठीक है। इसको कुछ भी चीज करनी है आपको, यहाँ पे जो मेन डेवलप है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ना आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रख लेना। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है? किडनी होती है। ऐसे इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके याद कर लेना मैं वन भाई, क्योंकि आगे आगे आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी पढ़ने पड़ेंगे, एनालिटिक के बाद आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें थोड़ी ऐड करते चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे याद रखना प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होती है बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटो मतलब फर्स्ट, नेफ्रीडिया जो पहले स्टार्टिंग में बननी शुरू हुई थी वो, आपको यहाँ पे सबके नाम नाम याद रखने हैं, या इन्हें हम क्या नाम देते हैं? फ्लेम सेल्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम? फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, या इन्हें हम सोलेनोसाइट सेल्स भी कहेंगे। इनका ही नाम है, चाहे प्रोटोनेफ्रीडिया कह दें, फ्लेम सेल्स कह दें, या सोलेनोसाइट्स कह दें। तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं इन इन प्लेटी एलिमेंटिस विच वन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो आपको याद रखना है अभी दो के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या नाम किया बेटा? ये आपको प्रोटोनेफ्रीडिया लिखा मिलेगा, या फ्लेम सेल, या सोलेनोसाइट, तो चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ स्पेशली एक्सक्रीटरी पोर होता है जिससे एक्सक्रीशन होगा, यहाँ पे स्पेशल सेल्स मिलती है, उन सेल्स को हम रैनेट सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रैनेट सेल्स होती है यहाँ पे, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होगा? रैनेट सेल वाया एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, क्या ये बेटा यही चीजें याद करते चले जाना, बाकी तो आपके नॉर्मल है, आप सात जो बेसिक आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो तो हम हर एक के अंदर बताते चले जाएंगे, आगे आगे तो सबके अंदर नॉर्मल होती हुई चले जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस यही तक सुडो सोलोमेट था, बाकी सब में ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान है, बायलेटरल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉमन कॉमन होते चले गए ये सारे कैरेक्टर्स, हो गए ना, लेकिन अब जो स्पेशल कैरेक्टर आते हैं वो सब में अलग अलग है, तो यही आपको पढ़ना है। यहाँ आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने, रिप्रोडक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन वही मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, बट यहाँ मेनली कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रीजनरेशन सबसे ज्यादा कॉमन होता है यहाँ पे, रीजनरेशन सबसे ज्यादा कॉमन है, अगर आपने कभी छोटी क्लासेस के अंदर प्लान एरिया पढ़ा हुआ है, याद रखना प्लान एरिया पढ़ा हुआ है इस तरह का, ठीक है, ये फ्लैटवॉर्म के अंदर आता है और ये इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है और सेक्सुअल भी मिलेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात सुन में, और लास्ट वन क्या बच जाता है, एग्जाम्पल, क्या रह जाएगा हमारे पास में, एग्जाम्पल रह जाएगा, क्या रह जाएगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ड्यूजेसिया, ड्यूजेसिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लैनेरिया, प्लैनेरिया तो कॉमन नेम हो गया है, बिल्कुल फ्लैटफॉर्म में आता है ड्यूजेसिया, एक होता है फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, लीवर में रहता है ये, हैपर टाइवर्ड आता है लीवर, जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, सब बिल्कुल फ्लैट नेचर के आते हैं, आपने टेप वॉर्म नाम सुना होगा, फीता कर्मी जैसा होता है टेप वॉर्म, और ये क्या होता है टीनिया सोलेनम, क्या होता है टीनिया सोलेनम, जो सुअर का मांस खाता है उसके अंदर कॉमनली रिजर्वर रहता है, हमारे अंदर जो सुअर का मांस खाता है उसके अंदर कॉमनली टेप वॉर्म मिल जाते हैं, ठीक है, लीवर फ्लूक लीवर के अंदर होता है, शीप भेड़ के अंदर लीवर के अंदर रहता है बकरे, तो उनका मांस खाता है ह्यूमन बींग में आ जाता है, और ड्यूजेसिया कॉमनली मिल जाता है प्लैनेरिया, ठीक है, हालांकि बीमारी नहीं करता, फ्री लिविंग होता है, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट नेचर के हैं, तो आपको एक तीनों नाम याद रखने हैं, मैंने क्या बताया एक प्लैनेरिया, एक लीवर फ्लूक और एक टेप वॉर्म, फीते कर्मे जैसा दिखाई देता है, फ्लैट है, नाम सुन रखे ना, तो प्लैटीहाइमेंथी से बिलोंग करेंगे, इसके एग्जाम्पल में अगर बात करूँ एस्कैरिस, एस्कैरिस को कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं वो एस्कैरिस ही होता है बेटा, याद रखना, मोस्टली टेप वॉर्म भी हो जाते हैं पर उसके आपको अलग से दिखाई देंगे, बड़े फीता गर्मी दिखाई देंगे। अभी पिछले साल की बात है, चेन्नई के अंदर वहां की ये पॉर्क मतलब खाते थे, पॉर्क मतलब समझते ना, तो जो पिक का मांस होता है, तो वहां पर उसके इंटेस्टाइन में दर्द हुआ, उसको पता लगा उसकी सोनोग्राफी की, तो ये टीनिया सोलेनम कितना बड़ा हो चुका था, क्योंकि वह कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता, उसने अपना नंबर बढ़ा के अपना साइज बढ़ा लिया और 7 फीट का निकला था उसके अंदर, आप रिसर्च कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है, डिस्कवरी में भी आप टीनिया सोलेनम में सर्च करना ये सारे। और एस्कैरिस पेट में कीड़े होना, इतने मोटे मोटे कीड़े हो जाते हैं, तो कभी भी आपको पेट में दर्द होता है तो उसको आप नॉर्मल मत मानना, मैं कुछ खाने पीने से है, कंटिन्यूटी अगर आपको इंटेस्टाइनल, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह के वहाँ मल्टीप्लाई कर जाते हैं ये, और हमारे अंदर फैलते किस तरह से हैं, इनके जो कीड़े होते हैं एस्कैरिस वगैरह के, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, बच्चों को मिट्टी खाने से मना किया जाता है ना, यही रीज़न है, या भाई क्योंकि उसके अंदर है वो बाहर है हमारी बॉडी में, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, उनके अंडे बाहर निकलने शुरू हो, छोटे छोटे कीड़े आएंगे, अगर कम अमाउंट में होते तो हम उसको स्टूल से बाहर निकाल देते हैं डाइजेस्टेड फूड के साथ में, बट काफ़ी वो इंटेस्टाइन वॉल में घुस जाते हैं तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वहाँ कंटिन्यू अपने नंबर बढ़ाते रहेंगे, और वो पूरा पोर्शन टाइटनेस अगर यहाँ पे आपके कभी भी अपडोमन रीजन के अंदर आती है तो आपको इग्नोर नहीं करना, तो एक के इतनी ट्रे भर गई थी, इतने कीड़े निकले थे, वहाँ इंटेस्टाइन को कट किया गया था, तो ये छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, मैंने आपको डिजीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो बट आपको याद रखने एस्कैरिस जो पेट में कीड़े होते हैं एक्चुअली ये राउंड वॉर्म होंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, एक आप याद रख लेना वाउचेरिया, वाउचेरिया को कॉमनली फिलियर वॉर्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है फिलियर वॉर्म कहा जाता है, ये एलिफेंटसिस नाम की बीमारी कॉज करता है, हाथी के जैसे पैर हो जाते हैं। और एक आप याद रख लेना एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है हुक वॉर्म,
बेटा ये कॉमन ही एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी बुक्स में हमारे पास दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के पीछे मत पढ़ना, क्योंकि आपके कोई भी इस तरह के एग्जाम्पल आज तक रिकॉर्ड है पीएमडी नीट किसी में भी नहीं पूछते बेटा। जो आपके कॉमनली एग्जाम्पल है यही एग्जाम्पल पूछेंगे, और ड्यूजेसिया कभी नहीं प्लानेरिया ही पूछा जाता है, फैसियोला हिपैटिका फिर भी देखने को मिल जाएगा, टीनिया सोलेनम टेपफॉर्म लीवर, क्योंकि इनको कॉमन नेम भी पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। बाकी में नहीं भी तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ये आपको क्या करनी है बेटा, सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको तो यहाँ से जो हमें चीज देखने को मिले, देखो इस तरह से करना है, हमें यहाँ से चीज देखने को मिले, एक तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग होगा, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन प्लेटिहेलमेंटिस में सेम थे, यहाँ पे अलग अलग देखने को मिले। या हमने ऑर्गन भी पढ़ना शुरू किया, एक्सक्रिटरी ऑर्गन हमने मेन पढ़ा, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इस तरह का कुछ भी नहीं है, बॉडी सरफेस से सारी चीजें हो रही है, नर्वस सिस्टम में धीरे धीरे डेवलप होगा, आपको यहाँ से नर्वस सिस्टम वगैरह के बारे में नहीं बात करनी है, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन भाई नॉर्मल है, सेक्सुअल सेक्सुअल है यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल सबके इम्पोर्टेंट है, क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझने। तो अब हम रिवाइज कर लेते दोबारा से, हम दोबारा से ध्यान दे लेंगे, मैं आप यहाँ पे पॉइंट लिखती चली जाऊंगी, और जैसे मैं पॉइंट लिख रही हूँ तो ये नहीं कि आप मैं लिखती जाऊंगी, जब आप वीडियो देखो तो अपने आप कोशिश करना कि आपको कितना याद हुआ है, ओके बेटा, आपको कितना लर्न हुआ है, इसको एज ए वीडियो लेके मत चला करो, आप इसको एज ए लाइव क्लास लेके चला करो कि हम लाइव पढ़ रहे हैं इसको इस तरह से, ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो अब देखो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्लेटिहेलमिंथिस, और एस्केहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस इसको हम क्या भी कहते हैं, निमैक और हेलमिंथिस, ठीक है बेटा, ये हम बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मैं आपके कैरेक्टर लिखती चली जाती हूँ, आप बोलते चले जाना, पहले मैंने इसको क्या नाम बताया, कॉमन नेम बताया, क्या बताया मैंने इसको, कॉमन क्या का क्या क्या कहा जाता है, फिर हमने क्या कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, समझ जाना ठीक है बेटा, क्या कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, फिर मैंने यहाँ पे क्या बात की है, सिमेट्री के बारे में बात की है, फिर मैंने यहाँ पे क्या बात की है, जर्म लेयर के बारे में बात की है, फिर मैंने यहाँ पे क्या बात की है, जर्म लेयर के बाद में मैंने आपको बॉडी कैविटी बताई है, बॉडी कैविटी के बाद हमने क्या बात किया, बॉडी प्लान बात की है, बॉडी प्लान के बाद हमने क्या बात की बेटा यहाँ पर, सेगमेंटेशन बात की है, सेगमेंटेशन के बाद हमने क्या बात किया यहाँ पर, नोटोकॉर्ड बात की है, फिर हमने यहाँ पे क्या बात की है, हैबिटेट बात की है, फिर हमने बॉडी टाइप पढ़ी है, ओके बेटा। फिर अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे दोबारा से, हम लिख लेते हैं, एक तरफ हमने प्लेटिहेलमिंथिस लिख लिया और एक तरफ हमने एस्केहेलमिंथिस लिख लिया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने किसकी बात की है, रिप्रोडक्शन की बात की है बेटा, और किसकी बात की है, रिप्रोडक्शन की, फिर हमने अभी थोड़ी चीजें और पढ़ ली, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा हमने मेनली, क्या पढ़ा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़े हैं, एग्जाम्पल, तो हमने यही चीजें पढ़े और कुछ नहीं पढ़ा इसके अंदर, क्लियर है सारे बच्चों को। अब हम आ जाते हैं कॉमन नाम, बोलो सारे बच्चे क्या नाम था इसका, प्लेटी फ्लैट फ्लैटफॉर्म है, मतलब ये क्या है, डॉर्सल वेंट्रल दोनों सरफेस, डॉर्सली एंड वेंट्रली क्या है बेटा, फ्लैट सरफेस है इसका, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फ्लैटफॉर्म। इन्हें कॉमनली निमेटोड्स, क्योंकि कैसे दिखाई देते हैं ये, थ्रेड जैसे दिखाई देते हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म कहा जाता है, सिलेंड्रिकल बॉडी मिलती है, सिलेंडर जैसी, सिलेंड्रिकल का मैथ में पता है ना क्या मतलब होता है, इस तरह की धागे जैसा दिखाई देता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ऑर्गन लेवल, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड बेटा, कैसा है ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री कैसी थी इन दोनों के अंदर ही, बायलेटरल सिमेट्री थी, बहुत अच्छे बेटा, कौन सी सिमेट्री थी इन दोनों के अंदर ही, बायलेटरल सिमेट्री थी। जर्म लेयर दोनों के अंदर ही कौन सी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, कैसी थी, अब सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाएगी, कैसी थी, ट्रिप्लो ब्लास्टिक थी, उस पर बॉडी कैविटी हमने क्या बात की, यहाँ तक कैसी थी, असिलोयमेट थी, कोई बैठ गया यहाँ पर कैसी हो गई है, सूडो सिलोयमेट, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं है, बॉडी प्लान कैसा है यहाँ पर, यहाँ से कैसा था, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान था, और यहाँ पे कैसा शुरू हो गया था, ट्यूब विद इन द ट्यूब,
ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान शुरू हो गया था। सेगमेंटेशन दोनों में क्या थे? एब्सेंट। दोनों में क्या थे? एब्सेंट। और नोटोकोड अगर हम बात करेंगे, नोटोकोड भी क्या थी? दोनों में ही एब्सेंट थी। वेरी गुड। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हैबिटेट, मोर कॉमन क्या है? एंडोपैरासाइट की डिजीज कॉज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर नहीं मिलता तो फ्री लिविंग भी आराम से रह जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गए हैं? ये भी एंडो पैरासाइट, हेटरोट्रॉफ तो होते हैं, पैरासिटिक है। और ये क्या है? फ्री लिविंग आते हैं। देन बॉडी टाइप हमने पढ़ा, तो ये कैसी थी? हर्मोफ्रोडाइट। कैसे थे ये? हर्मोफ्रोडाइट थे। या इसे हम क्या भी मोनो, मोनो का मतलब तो सिंगल, एक ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें प्रेजेंट है। यहाँ पे कैसे होने लगे? डायसियस होने लगे, पहले मेल एंड फीमेल डिफरेंट होने लग गए, ठीक है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट होने लग गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मेल जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, शॉर्ट, ठीक है, और जो फीमेल होगी वो कैसी होगी? लॉन्ग होगी। इसका टेल या पोस्टीरियर एंड अगर हम बात करेंगे, ये कैसा होता है? क्वाइल। और ये कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, ये भी याद रख लेना है, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मिलता है। एसेक्सुअल कॉमनली देखने को मिलता है रीजनरेशन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपके 10th क्लास में है, वहां डिटेल में बताइए क्या किस तरह से होते हैं। और यहाँ पे मेनली कौन सा मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या देखा आपने? प्रोटोनेफ्रिडिया का इसे, ठीक है, या इसे हम क्या भी नाम देते हैं? क्या नाम देंगे बेटा? सोलेनोसाइट। क्या कहेंगे हम यहाँ पे? सोलेनोसाइट कहेंगे, या इसे हम क्या भी नाम देते हैं? सोलेनोसाइट। या हम क्या कह देंगे बेटा इसको? सोलेनोसाइट, या फिर हम क्या कह देते हैं? फ्लेम सेल्स भी कह देंगे। क्या कह देंगे हम यहाँ पे? फ्लेम सेल। यहाँ वाया एक्सक्रीटरी पोर, और जहाँ पे क्या होती है? सेल होगी, रैनेट सेल्स होंगी। क्या होंगी? रैनेट सेल्स होंगी, जो क्या करते हैं एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगी। एग्जाम्पल इसको से पहले मैंने क्या बताया? प्लानेरिया। प्लानेरिया जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्यूजेसिया है, ठीक है बेटा। और दूसरा हमने क्या कहा? फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका, ये साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं ना, ये जेनरिक नेम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया, इस तरह से लिखना है। साइंटिफिक कॉमन क्या लगा दी? अंडरलाइन लगा दी। सिर्फ कॉमन नाम क्या होता है? लीवर फ्लूड, लीवर में रहता है ये। और एक मैंने आपको क्या बताया? टीनिया सोलेना। टीनिया सोलेना जो क्या जिसका क्या नाम है? टेप वॉर्म है, ओके। यहाँ पे याद रख लेना एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम। राउंड वॉर्म नहीं कहा जाता है, बिल्कुल ब्राउनिश कलर के होंगे। और दूसरा अगर मैं बात करूँ वाउचेरिया, वाउचेरिया को फिलियल वॉर्म कहा जाता है। डिजीज कॉज करता है जनरली मेल के अंदर, मैन में करता है। और एक मैंने आपको क्या कहा? एनसाइक्लोस्टोमा। हुक वॉर्म टांगने वाला होता है, उस तरह का दिखता है, हुक वॉर्म कहा जाता है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या बात कर लिया? प्लैटीहेल्मिंथेस एंड एस्कहेल्मिंथेस। एनी डाउट बताना बेटा, कोई भी डाउट किसी भी तरह का हो तो इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर आप पैराग्राफ में बार बार कोई चीज़ पढ़ोगे तो 100% आपको कि उसमें मैंने क्या पढ़ा था, उसमें मैंने क्या पढ़ा था। जैसे ही हमारे पास में हमें ये नॉन कोऑर्डिनेट्स पूरे हो जाएंगे, मैं आपको पूरा डिफरेंसिंग जितने भी फाइलम हैं उनके साथ करेंगे। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो चार, कल जो हम वीडियो के अंदर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम चार एक साथ बनाएंगे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि मोस्टली सिमिलरिटीज एक जैसी होनी शुरू हो जाएगी, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। ओके बेटा।